हेलो किचन मम्मी दे में आप सभी का स्वागत है। थोड़ी थोड़ी ठंडी रहो और खाना बनाने में मन ना हो और ठंडा लगता है तो उसके साथ साथ ठंडे ठंडे सूप मिल जाए और घर में कुछ सब्जियां ना हो, सिर्फ मैगी पड़े हो और थोड़े बहुत सॉस हो तो बना लेती हूँ। मज़े वाला सॉस वाली मैगी सूप सिंपल से, ज़्यादा कुछ मैं डालूंगी नहीं। जैसे देख ले, 1 टीस्पून क्या मैंने ऑयल डाला, उसमें 1 टीस्पून एकदम फाइन चॉप अदरक डाली, इसे थोड़ा सा मैंने पहले भून दूंगी इसका फ्लेवर हो जाए इसमें अच्छे से। एंड देन इसमें मैं एक हरी मिर्च है उसे बारीक बारीक कट करके डाल दे रही हूँ। नहीं डालना है मत डालो, तीखा अपने हिसाब से, क्योंकि स्पाइसी चाहिए थोड़ा, ठंडी ठंडी में स्पाइसी और मज़े आते हैं। तो बस, और करीबन मैं 300 ml कितना पानी डाल रही हूँ, ये मेरा 250 ml का था और इसमें से 50 ml, बस 300। और बस ये मेरे पास मैगी थी, इप्पी वाला मैगी था, अब कोई भी मैगी नूडल्स हो चलेगा बस। और इसे हाथ से मैं ऐसे चूरे चूरे कर दी हूँ, छोटे 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 बना दी हूँ ताकि सूप ही एकदम बन जाए इसके। तो बस ये पूरा मैंने ऐसे चूरा कर लिया और पानी हमारे बॉयल होना चालू भी हो गए। तो बस ये देखिए प्रॉपर अच्छे से बॉयल हो रहे हैं। बस अब इसमें हम डाल देंगे अपना ये मैगी सूप और साथ में इसके साथ साथ इसे थोड़ा चला देंगे और इसमें डाल देंगे थोड़े बहुत सॉसेज, जैसे कि सिंपल सा सॉस है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं, सिंपल सॉस जैसे ये चिली, ग्रीन चिली सॉस डाल दे रही हूँ 1 टीस्पून के अराउंड, 1 टीस्पून के अराउंड रेड चिली सॉस डाल दूंगी, और 1 टीस्पून के इतना सोया सॉस डाल दूंगी, और 1 टीस्पून के इतना विनेगर डाल दूंगी, और 1 टीस्पून के इतना टमाटो केचप डालूंगी ताकि जो इसका टेस्ट हो एक बैलेंस कर दे, ज़्यादा ना तीखा हो ना ज़्यादा कड़क हो, कुछ नहीं। और साथ में ये मैगी मसाला भी डाल दूंगी, 1 पैकेट जो था पैकेट के साथ आते हैं वही वाला। और बस इसे डाल के थोड़ा सा अच्छा सा बॉईल आने तक कुक करेंगे। और थोड़ा सा थिकनेस के लिए इसमें मैं करीबन 1 टीस्पून कितना कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ, और ये मैगी का ये पानी जो होता है वही डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि गुलटियाँ ना हो, ताकि इसमें उसमें डालने के टाइम गुलटियाँ ना बन हो, तो इसलिए बस ये अच्छे से मैं मिक्स हो गए ये देख रहे हैं। तो बस इसमें डाल के इसे धीरे धीरे चला देंगे और 2 मिनट कुक कर लेंगे, प्रॉपर थिकनेस में आ जाएगा सूप वाली थिक में। बस ये देखिए ज़्यादा नहीं, 2 मिनट मैंने इसे कुक करने हैं, चलाते रहना है प्रॉपर अच्छे से। 2 मिनट मैं इसे हाई फ्लेम पे ही कुक कर रही हूँ, लो पे नहीं, हाई फ्लेम पे इसे चला चला के कुक कर दें। तो बस ये देखिए प्रॉपर अच्छे से हमारे ये सूप तैयार भी हो गए, आ जाओ इसे सर्व करते। और यकीन मैंने बड़े मज़े लग रहे थे दुकान के भी सूप से फिर, और झटपट बन भी गया 2 मिनट में मैगी सूप, और खा भी लिया, ठंडी भी थी, मज़े भी आ रहे थे, बट स्पाइसी स्पाइसी और साथ में ठंडा का मज़ा। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ताकि आने वाली सारे नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तब तक के खाओ पियो मज़े को, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।